साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दुबई से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज मोबाइल पे आई हुई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई अप्लाई आप कर सकते हैं इसमें। आप चाहे श्रीलंकन हो, चाहे आप पाकिस्तानी हो, चाहे आप इंडियन हो, कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि ये जॉब डायरेक्टली दुबई से आता है। तो आप दुबई में भी हैं, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास वीजा पड़ा है लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसमें आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे दुबई से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। साथियों ये आपको हर बार मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, हालांकि कोई इंटरेस्टेड होता है तो कॉन्टेक्ट नंबर ले लेता है, बाकी अदरवाइज देख लो ताकि नॉलेज तो हो ही जाए। जरूरी नहीं होता कि मैं दुबई की वीडियो बनाऊँ उसमें आपको जाना ही पड़े, आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी भाई कि जो मैं बता रहा हूँ तनख्वाह वही मिलनी है, बाकी कोई एजेंट बताए तो ये मान लीजिए वो गलत है, सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि जो जेन्युइन बातें वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आप भरोसा करके वीडियो देखते हो तो कोई गलत बातें मैं पूरी जांच पड़ताल करके फिर ही मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होने वाला है। तो मेरा वीडियो वैकेंसी से रिलेटेड मैं बनाऊँ, आप अप्लाई करो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये लागू हो जाती है कि 500 रुपये फीस के देते हैं तो ही मैं बात करता हूँ। 500 रुपये कोई देना नहीं चाहता, 6 लाख रुपये उनसे कोई एजेंट ठग लेते हैं वो एक अलग इश्यू हो जाता है। तो मेरे से कॉन्टेक्ट लोग कम लेते हैं या लेना ही नहीं चाहते, सच्चाई ये है। क्योंकि जैसे मेरा ऑटोमेटिक मैसेज आता है बिजनेस अकाउंट से कि 500 फीस डालिए, तो बंदे को बम फूट जाता है, तो इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन हाँ, वीडियो देखता है तो इतनी गारंटी है कि उस आपको पता लग जाएगा कि हाँ चलो अप्लाई मत करो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसी जॉब से रिलेटेड आप दूसरे एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो सैलरी ये मिलेगी, ये बता रहा है तो ठीक है, अगर ज्यादा बता रहा है तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि भाई कुछ न कुछ गलत होने वाला आपके साथ हो सकता है। तो आज मैं बात करूंगा साथियों, ये जॉब आया हुआ है क्लीनर्स से रिलेटेड, मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाए थे, क्लीनर्स से रिलेटेड ये जॉब है, अर्जेंट रिक्वायर्ड है। इसमें विजिट टू एम्प्लॉयमेंट होता है, आपको सबको पता है दुबई का तो चलता ही है भाई, क्लब में कोई भी कंट्री चले जाओ विजिट टू वर्क आंख बंद करके आपका काम हो जाता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती, क्योंकि लोग यहाँ पर भी डर जाते हैं कई बार कि पता नहीं होगा कि नहीं होता, बाकी क्लब में तो ऐसा रूल बना हुआ है, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। 20 क्लीनर इसमें मांगे हैं, ठीक है साथियों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सैलरी की बात करूं साथियों, 1080 प्लस आपको अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, बीमा वगैरह मिल जाएगा। फ्राइडे की छुट्टी होती है, आप सब लोगों को पता ही होता है, ये आपको सैलरी मिलेगी। नेशनलिटी इंडियन, नेपाली, श्रीलंकन और पाकिस्तानी, ये बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काम कहाँ कहाँ करना होगा ये भी मैं आपको बता दूं, विला क्लीनिंग यानी नए विला बनते हैं ना वहां पे, विला अपनी भाषा में बोलते हैं यार वो, तो उसने उसके बहुत बड़ा विला है, विला सफाई का काम करना पड़ सकता है। अपार्टमेंट क्लीनिंग, साफ सफाई, अपार्टमेंट बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, उनको साफ सफाई का काम करना पड़ता है। हॉस्पिटल में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, इटीट्स यानी और भी हो सकता है, ये 5-4 मैंने बताया। इसी तरह के जगहों पे आपको काम करना पड़ेगा, साफ सफाई का काम करना पड़ेगा। सैलरी की बात करूं 1000 में खाना खुद का रहेगा, अगर ओवर टाइम करते हो तो भाई 20000 तक ही आप इसमें कमा सकते हो, ऊपर आपको टिप मिले, ये मिले वो आपकी किस्मत पे आपके डिपेंड करता है। बाकी सच्चाई है कि सैलरी इसमें इतनी ही मिलेगी, ठीक है, ज्यादा लोग तो पता नहीं कितने कितने बता देते हैं वो एक अलग इश्यू होता है, बाकी इतनी सैलरी मिलती नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहे इंडिया में हो चाहे आप कहीं से भी हो, आप अप्लाई वहां पे कर सकते हैं डायरेक्टली, कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, किस तरह से जाना है क्या जाना है वो आप बात करके फाइनल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लीनिंग से रिलेटेड ये जॉब था, मैंने आपको साथ इंक्वायरी शेयर कर दी, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको दबा लें ताकि हर रोज अच्छी वीडियो आपको, मोटिवेशनल वीडियो सही जानकारी के साथ मिलती रहे, जिससे धोखाधड़ी का शिकार उनसे बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।